आजा आजा। या फाइनली छाव में आ जाओ आ जाओ। एक काम करते हैं सुनो ना, ऐसा कर लेते ना। हाँ ऐसा कर लो। अब यहाँ पे देखो घूम लगा रहे हैं, क्या करेगा? अरे आयुष आना, चलो घूम ले क्या? अरे जगह ही नहीं देते। मनीषा जी यहाँ पे देखिए ना, यहाँ यहाँ हाँ भाई, किसी का वायर निकला है? हाँ रहने रहने, आयुष रहने लगा पूंछ। चलो ठीक है, रेडी रेडी चलो रोलिंग जा दो रोल माफी मांग रहे हमसे, वो सुनने दीजिए। हाँ मैम बोलिए। हम बोल रहे हैं कि मुझे पता चला कि लास्ट टाइम आप लोग मेरा बहुत इंतजार कर रहे थे और हम लेट आए, उसके लिए सॉरी। आप लोग इतना मेहनत करते, इतना काम करते, हमको ऐसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सॉरी। आयुष भाई प्रीवियस लास्ट टाइम जाने के लिए घूम थोड़ा नीचे लो रे, नीचे पकड़ा है ना, झलक दिखला जब जी चुके। क्या प्यार मिल रहा ऑडियंस किस तरीके का प्यार मिल रहा है, आगे किस तरीके आपको तो पता ही मेरे फैंस का कि कितना प्यार करते हैं मुझसे वो लोग, और हम सच में बहुत ही लकी हैं कि मुझे मेरे फैंस इतना प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते हैं। तो और बस और अपने आप पे काम कर रहे हैं, एक दो शो का और बात चल रहा है। होपफुली हम चाहेंगे कि और अच्छा अच्छा काम करें और अपने फैंस को एंटरटेन करें, आप सबको एंटरटेन करें। मनीष आपने जो हिंट दिया है, खबरें भी ऐसी है कि आप खतरों का नेक्स्ट सीजन करने वाली है, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए अभी बहुत सारी चीजों पे बात चल रही है, लेकिन जब तक एक बार कंफर्म ना हो जाए तो हम अभी हाँ बोलना या फिर ऐसे बोलना अच्छी नहीं। में भी क्या हो, कुछ डन हो ना हो, तो जब होगा तो पता चल जाएगा आप लोग। और ऐसी भी न्यूज थी कि आप बिग बॉस OTT सीजन 3 में आप मेंटर बनने वाले हो? ये सही नहीं है, क्योंकि ये बात मेरे तक तो अभी नहीं आया है। मे बी मेरी एजेंसी तक गया होगा, क्योंकि पहले उसकी उनके तक बात जाती है, फिर फाइनल होता है तो हम लोग तक पहुंचता है। तो फिलहाल तो अभी मुझे नहीं पता उसके बारे में। और डिबेट इस बात भी चल रही है ट्विटर पर कि मेंटर्स यूजुअली जब भी रियलिटी शोज पर आते हैं उनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जाता है, और सॉरी कंटेस्टेंट्स को ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जाता है और मेंटर्स जो है वो अपना क्रेडिट लेके चले जाते हैं। कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं मेंटरशिप में रियलिटी शो पर? पर मुझे लगता है कि मुझे ये पता ही नहीं कि कभी बिग बॉस में से मेंटोर्स आते थे क्या, मतलब मैंने आज तक जो भी सीजन देखा उसमें तो मैंने नहीं देखा है। और अगर इस बार आ रहे हैं तो मे बी मुझे लगता है जो कंटेस्टेंट में बात होगा, क्योंकि बिग बॉस में तो ऐसा होता है ना कि इंडिविजुअल लोग गेम खेलते हैं और लोगों को पसंद आते हैं, तो चाहे मेंटोर को इस मिलना चाहिए, लाइक क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन जो कंटेस्टेंट है अगर वो अच्छा खेलेगा तो डेफिनेटली लोग उसको पसंद करेंगे, तो क्रेडिट तो मिलेगा ही उनको। मैम लास्टली फैंस ऑडियंस के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो आपको इतना सारा प्यार दे रहे हैं? मेरे फैंस को यही बोलेंगे कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो और ऐसे ही हमेशा प्यार करते रहिए। कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, और मनीषा रानी आप लोग को हमेशा एंटरटेन करेगी और प्यार करेगी। आपका गाना आ रहा है उसके ऊपर? मेरा गाना आ रहा है, 6 मई को रिलीज हो रहा है और बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा सॉन्ग आ रहा है अमित दुशाना के साथ, पार्टी सॉन्ग है और मुझे लगता है सबको बहुत पसंद आने वाला, और इसमें आपको मनीषा रानी का डांस लटका झटका सब देखने मिलेगा और बहुत मजेदार सॉन्ग है, तो देखिए और एंजॉय कीजिए। और पीछे आओ ना, यहाँ पे देखो बॉन्ड टैलेंट उतना ऊंचा, इसको वायर खींच लो, कुछ मिलेगा ना पीछे। एक जन के आने से क्या होता है? इधर देखो, ये सामने सामने ये सब चलने वाला है। कौन बोल रहा? थैंक यू। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन है? थैंक यू वाला कौन बोल रहा है? एक मिनट, मनीषा जी, मनीषा जी, ये बंदा मैं अभी आया हूं, ये अभी आया, बहुत बड़ा फैन है। एक मिनट फोटो चाहिए मनीषा जी, इसके पहले का 2 घंटा पूरा वसूल कर लिया सब। एक सेकंड अपकमिंग
अपकमिंग तो मेरा अभी एक सॉन्ग आ रहा है 6 मई को जो रिलीज होने वाला है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो देखिएगा आप लोग। और बाकी एक दो शो का बात चल रहा है वो भी देखिए। मनीषा जी, बिहार में इलेक्शन चालू है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी पार्टी को? तो मेरे पिताजी लोग ज्यादा, एक सेकंड कांच खोल दो, कांच खोलो, एक मिनट रुको, पीछे थोड़ा हटना, आसिम नीचे नीचे कौन है बाजू मेरे जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी बिहार से इलेक्शन में आई थिंक पवन जी भी उठे हैं, तो मेरा सपोर्ट है उनके साथ, क्योंकि पवन भैया हमारे मतलब ऐसे ही क्लोज भी हैं, तो हम चाहेंगे कि वो जीते। बाकी वही, हम हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बीजेपी पे जो एलिगेशन लग रहे हैं उस पर क्या बोलना चाहोगे आप? भैया ये एलिगेशन क्या लगा हमको नहीं पता, क्योंकि झूठ नहीं बोलेंगे हम पॉलिटिक्स में, इतना ज्यादा थोड़ा हमको इतना पता नहीं रहता, इसलिए। मनीषा जी, अलविश भाई जीत गए, प्ले लॉर्ड क्या कहना चाहोगे? अच्छा वो जीते मुझे नहीं पता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, डन डन डन, थैंक यू, थैंक यू। सुंदर बना दीजिएगा, लगाने की जरूरत नहीं आपको, ऐसी सुंदर है, थैंक यू, थैंक यू।